युद्ध तक आप लोगों ने पढ़ाई की थी, और अब हमको ये जानना है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व की व्यवस्था किस प्रकार की रही। 1989 में कई कारणों की वजह से शीत युद्ध समाप्त हुआ, जो 1945 में आरंभ हुआ था, वह विचारधारा की लड़ाई अब समाप्त हो गई। और इसकी समाप्ति में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचोव की मुख्य भूमिका रही। उनके द्वारा चलाए गए पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, यानी पुनर्निर्माण, पुनर्रचना और खुलापन, इन दोनों विचारों ने काफी बदलाव लाया विश्व की राजनीति में। और सोवियत संघ, जो कभी शीत युद्ध का चैंपियन था, वो एक ऐसे देश के रूप में दिखाई दिया जो शांति की बात कर रहा था। उसके द्वारा अपने स्तर पर ये निर्णय लिया गया कि उसके द्वारा ट्रेडिशनल वेपन्स का प्रयोग युद्ध के लिए नहीं किया जाएगा। एक बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि अभी तक जो भी युद्ध हुए थे वो पारंपरिक शस्त्रों से ही हुए थे। न्यूक्लियर वेपन्स इनफैक्ट एक डेटरेंस की तरह से काम करते हैं, एक रोक की तरह से काम करते हैं, और वास्तव में उनका प्रयोग अभी तक युद्ध के लिए नहीं किया गया, जो बहुत अच्छी बात है, जिसका भय लगातार बना रहा है, लेकिन उसका ऐसा प्रयोग किया नहीं गया है। तो 1989 में सोवियत संघ में राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित हुई, और यहाँ पर साम्यवाद के स्थान पर, टोटलिटेरियनिज्म के स्थान पर डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की स्थापना के लिए स्वर उठाया जाने लगा। नतीजा यह हुआ कि सोवियत संघ का कोलैप्स हो गया और उसकी जगह पर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का निर्माण हुआ, स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल इसको कहा गया, जिसमें सोवियत संघ में जो रिपब्लिक्स, गणराज्य शामिल थे, वो इसमें दिखाई देने लगे, और रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो भी विभिन्न प्लेटफॉर्म्स थे, उनमें सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बन गया। रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर अन्य जितने भी मंच थे, वहां पर वोटिंग का राइट सोवियत संघ के स्थान पर प्राप्त हो गया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, इसने विश्व के पूरे ढांचे को बदल दिया, बैलेंस ऑफ पावर को बदल दिया। शक्ति का संतुलन, जो अभी दो खेमों में बटा हुआ था, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, नाटो और वॉर्सो के बीच में, अब वो समाप्त हो गया और एक ध्रुवीय विश्व का उदय हो गया। तो आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, व्हाट आर द मेन ट्रेड्स विच अफेक्टेड द वर्ल्ड? कौन सी विशेषताएं हैं, क्या हम कह सकते हैं, कौन सी नई प्रवृत्तियां, व्हाट वर द इमर्जिंग ट्रेंड्स आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर? दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे। इन्हीं के विषय में फिर हमें आगे अलग अलग भी पढ़ना होगा, डिटेल में, विस्तार में। तो सबसे पहले जो खास बात दिखाई दी वो ये कि एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो गई। 1945 के बाद विश्व द्विध्रुवीय बन गया था, बाइपोलर वर्ल्ड बन गया था। बाइपोलर का मतलब, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मतलब, शक्ति के दो केंद्र थे। ये दो केंद्र सोवियत संघ और अमेरिका थे। जब नूतन शीत युद्ध आरंभ हुआ, न्यू कोल्ड वॉर, 1978 से लेकर 1989 तक चला, इस दौरान मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम को हम देखते हैं, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को हम काम करता हुआ देखते हैं।
यानी शक्ति के कई केंद्र दिखाई देने लगे। एक ओर सोवियत संघ था तो दूसरी ओर अमेरिका। इसके अलावा चीन, जापान, भारत जैसे जो विकासशील देश थे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से, यूरोपियन यूनियन, यानी सत्ता के कई केंद्र उभर कर आए 1978 से 89 के बीच में। और ये माना जा रहा था कि ये एक अच्छा ट्रेंड है जिससे शक्ति का संतुलन ज्यादा राज्यों के हाथ में होगा, युद्ध की संभावना कम होगी। लेकिन 1989 में विद द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन वी वेंट फ्रॉम मल्टीपोलरिज्म टू यूनिपोलरिज्म। हम एक ध्रुवीय विश्व की ओर चले गए, एक ही शक्ति अब विश्व में मुख्य रूप से बची रह गई और वो था अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। 1989 के बाद अमेरिका सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया, सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, द ओनली सुपर पावर के रूप में अमेरिका उभर कर आया। सोवियत संघ अब उसको बैलेंस करने के लिए नहीं रह गया था। रूस की स्थिति अभी बहुत खराब थी, आर्थिक रूप से वो पश्चिमी देशों पर निर्भर कर रहा था, उसे आर्थिक सहायता वहां से प्राप्त हो रही थी, G7 की शर्तों का उसे पालन करना पड़ रहा था। तो न तो वो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली रह गया था और न ही आर्थिक रूप से। ऐसे में अन्य कोई प्रतियोगी सामने न होने के कारण अमेरिका विश्व की एकमात्र शक्ति बनकर उभरा। और अमेरिका ने अपने यूनिपोलरिज्म को साबित करने के लिए भी कई उपाय किए, उसने कई तरीके अपनाए। इस समय जो कार्य किए गए या विश्व पटल पे जो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उन्होंने अमेरिका की स्थिति को और मजबूत बनाया। एक बहुत बड़ा कारण अमेरिका को स्थापित करने का सुपर पावर के रूप में इराक युद्ध बना, खाड़ी युद्ध बना। इराक के द्वारा कुवैत में हस्तक्षेप करने के आधार पर अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, यूएन की मदद लेकर, यूएन के नाम से। इसे कलेक्टिव सिक्योरिटी के एक्शन का नाम दिया गया क्योंकि इसे यूएन में लाया गया, यूनाइटेड नेशंस से उसे पास कराया गया और बाकी देशों से कहा गया कि आप सहायता करें जिससे कि इराक, जिसने कुवैत पर हमला किया है, कब्जा किया है, जो अनुचित है, उसको रोका जा सके। तो अमेरिका ने इराक पर हमला किया और उस हमले के दौरान उसने अपनी शक्ति का भरपूर प्रदर्शन किया, एग्जिबिशन ऑफ पावर विच इज पार्ट ऑफ द होल आइडिया ऑफ पावर। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो हमने देखा था कि राज्य निरंतर शक्ति का संचय करने में लगे रहते हैं, वे अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं और उसके लिए शस्त्र अस्त्र का निर्माण करते हैं, तकनीकी विज्ञान का प्रयोग करते हैं। और वे केवल शस्त्रों का संचय और विस्तार ही नहीं करते हैं, उसे रख नहीं देते हैं कहीं पर, बल्कि उसका प्रदर्शन भी करते हैं। जब तक कि शक्ति का प्रदर्शन नहीं होगा, राज्य की शक्ति के विषय में दूसरे देशों को पता नहीं चलेगा और वो दूसरे देश पर अपने निर्णय थोप नहीं पाएगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि शक्ति का प्रदर्शन किया जाए, एग्जिबिशन ऑफ पावर। एंड दिस इज वॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिड ड्यूरिंग इट्स वॉर अगेंस्ट इराक। गल्फ क्राइसिस के दौरान अमेरिका ने अत्याधुनिक शस्त्रों का प्रयोग किया, ऐसे शस्त्र जिनकी मात्र हम कल्पना कर सकते थे, पेट्रियट मिसाइल जो हमला करके वापस लौट आए। उसी समय सैटेलाइट टेलीविजन का आरंभ हुआ था और घर में बैठकर लोग इराक में चल रहे युद्ध को देख सकते थे कि कैसे अमेरिका वहां पर
अत्याधुनिक शस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। और इसने क्या किया, अमेरिका को बल प्रदान किया। अमेरिका एक महान शक्ति है, बड़ी शक्ति है, उसकी सुपीरियोरिटी अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में वो एस्टैब्लिश हुई, स्थापित हुई। तो गल्फ वॉर बहुत सारी वजहों से किया गया, लेकिन उनमें से एक ये भी था कि अमेरिका ने इसको अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित करने के एक साधन के रूप में प्रयोग किया। इसके अलावा आपको मालूम है कि 1990-91 से ग्लोबलाइजेशन का दौर भी आरंभ हो गया था। यद्यपि भूमंडलीकरण के लिए वार्ताएं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही आरंभ हो गई थी, 1942 में ब्रेटन वुड्स में एक बैठक हुई जिसमें ये विचार किया गया कि युद्ध क्यों हुए, दो विश्व युद्ध, पहला जो 1914 से 18 और दूसरा जो 1939 में आरंभ हुआ, तो उसी बीच में राष्ट्र इकट्ठे हुए ये विचार करने के लिए कि कैसे युद्धों को रोका जा सकता है। विश्व युद्ध बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, धन जन की हानि करते हैं, तो कैसे इस युद्ध को रोका जा सकता है। तो ये समझा गया कि अगर राज्यों के बीच में रिसोर्सेस का, पीपल का फ्री फ्लो होगा तो शायद युद्ध ना हो। एडम स्मिथ ने जो विचार दिया था लेजिस्फेयर का, मुक्त व्यापार का, उसके विषय में विचार किया गया, सोचा गया और ये समझा गया कि राष्ट्रों के बीच में जो सीमाएं हैं, जो बॉर्डर्स हैं, जो बाधाएं हैं, उनको हटा दिया जाए और वस्तुओं का स्वतंत्र, फ्री, मुक्त आदान प्रदान। इससे क्या होगा, युद्ध की संभावना कम होगी, क्योंकि युद्ध क्यों लड़ा जाता है, रिसोर्सेस पर कब्जा करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए। और जब रिसोर्सेस का फ्री फ्लो होगा तो कंट्रोल करने के का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा। तो ये जो विचार था वो ब्रेटन वुड्स में राष्ट्रों के द्वारा, जो विकसित देश थे, जो उस समय युद्ध में शामिल थे, उनके द्वारा इसको समझा गया और इस दिशा में कार्य आरंभ किया गया। लेकिन एक तो एशिया अफ्रीका के बहुत सारे देश आजाद नहीं थे, परतंत्र थे, और दूसरे जो मुक्त व्यापार का विचार था उससे विश्व का एक बड़ा खेमा, यानी जो साम्यवादी गुट था वो भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि साम्यवादी गुट तो प्रोटेक्शन की बात करता था, संरक्षण की नीति की बात करता था। तो संरक्षण की नीति और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, ग्लोबलाइजेशन और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। इसलिए एक लंबे समय तक भूमंडलीकरण का विचार राज्यों के बीच में बहुत पॉपुलर, लोकप्रिय नहीं हो पाया। लेकिन 1989 में जब सोवियत संघ का पतन हो गया, एक ध्रुवीय विश्व बन गया, तब ये समझा गया कि अब भूमंडलीकरण में आगे बढ़ा जा सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? Yes, ma'am. तो 1990 में भूमंडलीकरण का विचार एक बार फिर राष्ट्रों के बीच में लाया गया एंड नाउ इट गेन पॉपुलैरिटी बिकॉज सोवियत यूनियन हैड फेल, मैनी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैड अबैंडन्ड सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म एंड दे वर अडॉप्टिंग
डेमोक्रेसी, साथ ही साथ जो विकासशील देश थे जिसमें नैम के सदस्य शामिल थे, वे भी अब बाध्य थे कि वो अमेरिका के दिखाए रास्ते पर चले। और इसी स्थिति में ये स्वाभाविक था कि वे ग्लोबलाइजेशन को स्वीकार करने लगे। और यही हम देखते हैं कि इस दौरान हुआ भी। तो ग्लोबलाइजेशन भी एक फोर्स था जिसने पोस्ट कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स को प्रभावित किया, और राज्य बाध्य हो गए कि वे अमेरिका के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उन्हें फॉलो करें, क्योंकि उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, और ये आर्थिक सहायता उन्हें IMF वर्ल्ड बैंक से तभी मिलेगी जब जो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है टूवर्ड्स दीज इंस्टीट्यूशन दैट इज अमेरिका, वो उनके पक्ष में हो, और पक्ष में तभी होंगे जब वो अमेरिका के दिशा निर्देशों पर काम करेंगे चलेंगे। तो दूसरी फोर्स जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना चाहिए कोल्ड वॉर की समाप्ति के पश्चात, वो है ग्लोबलाइजेशन विच इम्पैक्टेड द वर्ल्ड सिस्टम, जिसने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि साम्यवाद का अवसान हुआ। हमने एंड ऑफ हिस्ट्री की बात की थी जिसमें ये कहा गया था कि पूंजीवाद की विजय हुई कोल्ड वॉर के अंत के साथ और साम्यवाद का अवसान हो गया, और इसलिए अब साम्यवादी देशों को पूंजीवाद को स्वीकार कर लेना चाहिए, और अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे देन व्हाट विल हैपन, देन देयर विल बी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं का संघर्ष होगा। तो अब जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें से ज्यादातर ने क्या किया, उन्होंने पूंजीवाद को डेमोक्रेसी को स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो डेमोक्रेसी के लिए ये एक अच्छा समय था, क्योंकि जो देश अभी तक साम्यवादी थे उन्होंने भी लोकतंत्र को अपनाने का काम शुरू किया, जो देश अभी तक साम्यवाद को अच्छा मानते थे उन्होंने पूंजीवाद को लिबरल डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी, और कई पूर्वी यूरोपीय देशों में नई प्रकार की व्यवस्थाएं बनी भी। तो इट वॉज अ गुड टाइम फॉर डेमोक्रेसी, और जो टोटलिटेरियन स्टेट्स थे उनका फॉल हुआ, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, इन दोनों का इस समय उदय हुआ। अगला जो एक और जो उभरती प्रवृत्ति कह सकते हैं, जो एक इमर्जिंग ट्रेंड कह सकते हैं इस समय शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, वो पूरे विश्व को प्रभावित करने वाला एक तत्व था, और वो था आतंकवाद। टेररिज्म ने अब एक अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया, इट बिकेम एन इंटरनेशनल फिनोमेना, विश्व के अनेक देश इससे प्रभावित होने लगे। जहां अभी तक एशिया में अगर देखा जाए तो भारत 80 के दशक से आतंकवाद से पीड़ित दिखाई दे रहा था, तो वही अब विश्व के अनेक ऐसे देश थे जिनमें आतंकवाद अपना पैर पसारने लगा। इसने एक बड़ी समस्या का रूप धारण कर लिया, और अब राष्ट्रों के लिए जरूरत पड़ गई कि वे इस पर मिलकर विचार करना शुरू करें। तो वी विल रीड मोर अबाउट टेररिज्म ऑल्सो, क्यों आतंकवाद ने अपने पैर पसारे, इसके क्या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड ऑफ कोर्स रिलीजियस रीजंस हैं जिसकी वजह से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ने आतंकवाद का रूप धारण कर लिया, क्या इस समस्या का हल हो सकता है, ये भी एक आवश्यक मुद्दा बन जाता है पोस्ट कोल्ड वॉर। पोस्ट कोल्ड वॉर डिसआर्ममेंट
ऑल्सो गेन्ड मोमेंटम। निशस्त्रीकरण, जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो युद्ध की भी जरूरत नहीं रह गई, और अगर युद्ध की जरूरत नहीं है तो निशस्त्रीकरण किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्म्स रेस शुरू हो गई थी, शस्त्रों की दौड़ शुरू हो गई थी, राष्ट्र नए नए शस्त्र बना रहे थे, एक दूसरे से कंपीट कर रहे थे। अगर अमेरिका ने अणु बम बनाया तो सोवियत संघ ने उसके जवाब में उसे बेहतर एक बम बना लिया। अमेरिका ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके शस्त्र बनाए तो सोवियत संघ ने भी वैसा ही किया। यहाँ तक कि स्पेस में भी युद्ध पहुंच गया, शस्त्र स्पेस तक पहुंच गए, सैटेलाइट के माध्यम से जासूसी करना और इस तरीके के ऐसे काम जिनसे लगने लगा था कि विश्व का कब विनाश हो जाएगा। बीच बीच में डिसआर्ममेंट के लिए बातें भी चली, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भी और संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर भी डिसआर्ममेंट निशस्त्रीकरण के लिए वार्ताएं हुई, जिनमें जो महत्वपूर्ण ट्रीटीज थी वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NNPT और दूसरा CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिषेध संधि, ये की गई, जिनके द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट पर ही रोक लगाने की बात कही गई। इन संधियों के विषय में हमें अलग से ज्यादा बात करनी होगी, क्योंकि ये संधियां जस्ट थी नहीं थी, क्यों नहीं कुछ देशों ने, जिसमें भारत भी था, उसने साइन किया, क्या ये वृहत बैन लगाती थी या केवल उन देशों पर जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनके ऊपर ही ये प्रतिबंध लगाती थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर भी निशस्त्रीकरण के लिए वार्ताएं हुई विभिन्न देशों के बीच में, लेकिन हम देखते हैं कि निशस्त्रीकरण के लिए जो भी वार्ताएं की गई वो प्रायः सफल नहीं हुई, क्योंकि अगर सफल हुई होती तो आज हमारे सामने ये समस्या न होती कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर बम बना रहा है या ईरान के द्वारा बनाया जा रहा है या और बहुत सारे देशों के द्वारा, पाकिस्तान का बम इस्लामिक बम कहलाने लगा, तो इस तरीके की समस्याएं ना होती अगर निशस्त्रीकरण हो जाता। तो निशस्त्रीकरण असफल क्यों हो गया उसके पीछे के कारणों को भी जानना आवश्यक है। निशस्त्रीकरण की असफलता का एक बड़ा कारण था कि ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल था कि कौन सा शस्त्र आक्रमण के लिए है और कौन सा रक्षा के लिए। अगर एक बंदूक आक्रमण कर सकती है तो वो रक्षा भी कर सकती है, और किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, और अगर उसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा तो वो शस्त्रों का निर्माण जारी रखेगा। इसके अलावा और कुछ आर्थिक कारण भी थे, जैसे अमेरिका में जो ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ प्रेशर ग्रुप, वो सरकार को, अमेरिका की गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने से रोकती है जिससे उनका ही धंधा ठप हो जाए। तो केवल सिक्योरिटी रीजंस ही नहीं है, बल्कि देयर आर इकोनॉमिक रीजंस ऑल्सो, देयर आर पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो बिहाइंड द फेलियर ऑफ डिसआर्ममेंट। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इस पर भी चर्चा आरंभ की गई, और बहुत सारी जो संधियां पहले की गई थी, साल्ट वन, साल्ट टू, स्टार्ट संधियां या पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी या इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ट्रीटी वगैरह वगैरह, उन सब को कैसे क्रियान्वित किया जाए इस पर विचार किया गया। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का निर्माण हुआ, IAEA का रोल बढ़ाया गया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एसोसिएशन है, जिससे उन देशों की निगरानी की जा सके जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये एक अन्य महत्वपूर्ण ट्रेंड है जिसके विषय में अधिक जानने की आवश्यकता है। लेकिन जब हम पोस्ट कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की बात करते हैं
तो इसकी भी बात करते हैं। फिर इसके अलावा पोस्ट कोल्ड वॉर जो मिलिट्री अलायंसेस थे उनका महत्व कम हो गया, नाटो का महत्व कम, वॉर्सो तो खत्म ही हो गया, नाटो का महत्व भी कम हो गया क्योंकि अब जब शीत युद्ध ही नहीं है तो अलायंस की भी जरूरत नहीं है। लेकिन नाटो को डिसॉल्व नहीं किया गया बल्कि इसका एक्सपेंशन किया गया और उसमें पूर्वी यूरोप के देशों को शामिल किया गया। ये एक गंभीर बात थी क्योंकि ऑल्दो नाटो हैड लॉस्ट इट्स रेलिवेंस बट इट वॉज बींग एक्सपेंडेड एंड ऑल दोज कंट्रीज विच वर अर्लियर अंडर वॉर्सो पैक्ट दे वर इन्वाइटेड टू ज्वाइन नाटो। एक और जो नया ट्रेंड दिखाई दिया वो था नैम को लेकर, नॉन अलाइन मूवमेंट को लेकर। गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है कि नहीं है? शीत युद्ध के दौरान तो उसकी प्रासंगिकता बताई जा सकती थी क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब ही है कि दो गुटों के बीच निरपेक्ष रहने की नीति, लेकिन अब जब गुट ही नहीं है तो किस प्रकार की निरपेक्षता? तो ऐसे में गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करने की जरूरत पड़ गई। और उसने आतंकवाद के मुद्दे पर विचार आरंभ करके, उसने पर्यावरणीय क्लाइमेट के मुद्दों पर विचार करके, साथ ही साथ उत्तर दक्षिण संवाद को कायम करने की बात कहकर उसने अपनी प्रासंगिकता को स्थापित करने की कोशिश की। फिर भी पोस्ट कोल्ड वॉर नैम हैज लॉस्ट मच ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस। जो उसकी भूमिका शीत युद्ध के दौरान थी वो आज नहीं रह गई क्योंकि शीत युद्ध के दौरान उसे सोवियत संघ का समर्थन भी प्राप्त था और यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसकी वॉइस भी थी, लेकिन आज उसकी आवश्यकता नहीं रह गई। अच्छा, पोस्ट कोल्ड वॉर एक और महत्वपूर्ण बात आई, वो ये कि यूनाइटेड नेशंस का रोल स्ट्रांग हो पाया। शीत युद्ध के दौरान जहां संयुक्त राष्ट्र संघ गैर जरूरी हो गया था, उसकी महत्व नहीं रह गया था क्योंकि जो बड़े शक्तिशाली देश थे वे वही कर लेते थे या करवा लेते थे जो वे चाहते थे, लेकिन पोस्ट कोल्ड वॉर रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंक्रीज्ड और एक बार फिर हम संयुक्त राष्ट्र संघ को महत्व पाता हुआ देखते हैं। फिर शीत युद्ध के अंत के पश्चात कुछ और मुद्दे भी उठे, जैसे पर्यावरणीय क्लाइमेट जो चेंज था, पर्यावरणीय जो बदलाव है उसको लेकर विचार विमर्श आरंभ किया गया। इसी प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड को लेकर समय समय पर बैठकें होनी शुरू हुई और उसमें भी पर्यावरण के मुद्दे को उठाया गया। मुझे याद है कि 2004 में सिएटल में जब WTO की बैठक हुई तो वहाँ बैठक ही नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि जो बैठक में शामिल होने के लिए लोग आए थे उन्हें बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा प्रदर्शन का, और ये विरोध प्रदर्शन किस लिए था? ये विरोध प्रदर्शन था जो श्रम कानून थे विकासशील देशों में उनको लेकर, और जो पर्यावरणीय चिंता थी विशेष रूप से विकासशील देशों के उद्योगों के लिए उनको लेकर। तो ये बैठक हो ही नहीं पाई WTO की, और बाद में कुछ प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक को किया गया और उसमें कुछ निर्णय भी ले लिए गए जिनसे जो विकासशील देश थे वो संतुष्ट नहीं थे, और इसलिए आगे जाकर ब्रिक्स का निर्माण हुआ, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जिन्होंने मिलकर WTO में अपनी आवाज को उठाना शुरू किया। शीत युद्ध की समाप्ति ने रीजनलिज्म को भी बढ़ावा दिया, क्षेत्रवाद को। अभी कुछ वर्षों पूर्व तक हम EU को एक मजबूत संगठन के रूप में देखते थे, आज जरूर ब्रिटेन उससे अलग हो गया, लेकिन शीत युद्ध के बाद क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला। उसी समय 1984 में SAARC का भी निर्माण हुआ था जिसकी भूमिका आज कम हो गई है। क्यों? क्योंकि SAARC देशों में आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बायलेटरल इश्यूज हैं जिनकी वजह से
दक्षेस का महत्व कम हो गया, ऑल्दो साउथ ईस्ट एशियंस के द्वारा, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के द्वारा बनाया गया आसियान हम देखते हैं कि ज्यादा रेलिवेंट है और काम भी कर रहा है। तो जो रीजनल फोरम्स थे उनका महत्व बढ़ा, वहां पर अपनी वॉयस को जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने रेस किया। तो ये सारे ट्रेंड्स हमें दिखाई देते हैं शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो उभरती प्रवृत्तियां हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो ये हमें ट्रेंड्स दिखाई देते हैं काम करते हुए। और आगे हमें इन्हीं पर विचार करना है, इन्हीं विषयों पर हमको ज्यादा बात करनी है। और वो चाहे बीए थर्ड ईयर के लिए हो या एमए के लिए हो, ये सारे तत्व आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप किसी देश की विदेश नीति को समझ सकते हैं या आप विश्व की व्यवस्था को जो आज दिखाई दे रही है उसको समझ सकते हैं। आज विश्व में एक जो गंभीर समस्या हमें दिखाई दे रही है वो है नव उपनिवेशवाद की या नियो कॉलोनियलिज्म की। विभिन्न देशों के सामने इस प्रकार की समस्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके सामने ये हमें समस्या दिखाई देती है। नव उपनिवेशवाद यानी आर्थिक उपनिवेशवाद, आप देख ही रहे हैं कि कैसे आज के समय में अर्थ महत्वपूर्ण हो गया है और व्यापार के क्षेत्र में किस देश को वरीयता हासिल है इस पर निर्भर अब करेगा कि कौन विश्व में सुपर पावर के रूप में दिखाई देता है। आज ये लड़ाई व्यापार की, ट्रेड की लड़ाई चीन और अमेरिका के बीच की है और इस लड़ाई में चीन आगे निकलता दिखाई देता है, क्योंकि अगर हम विश्व व्यवस्था की बात करें तो कोरोना COVID-19 जो वायरस है उसने विश्व की व्यवस्था को एक नया रूप दे दिया है। अमेरिका से लेकर भारत तक सभी इस समस्या से परेशान हैं, लेकिन इनके मुकाबले चीन की स्थिति कहीं बेहतर दिखाई देती है। उसका GDP जहां बाकी देशों का ग्रोथ रेट कम है, वहां चीन का ग्रोथ रेट संतोषजनक है। तो भविष्य शायद चीन का है। चीन और अमेरिका के बीच में अगर प्रतियोगिता है तो आगे 5 वर्षों के बाद हम दोनों को कहाँ देखेंगे, तो आज की परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि शायद अगला जो सुपर पावर है वो एशिया से होगा। जो कभी एशिया का सिक मैन हुआ करता था यानी चाइना, वो आज बड़ी शक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है, सुपर पावर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इन सब के बारे में पोस्ट कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में पढ़ा जाना आवश्यक है और आगे की क्लासेस में हम लोग इनके बारे में अलग अलग डिटेल में भी बात करेंगे।